Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform VTuition से. और dear student, आज का जो हमारा video lecture है वो chapter number हमारे पास 3 जो के continue था, और chapter number 3 की most important जो main points हैं Vesper theory, जो के very important theory है, और इसी chapter की जो base है वो इसी theory के ऊपर है. बिकॉज डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो जो नेम है चैप्टर का, वो आपके पास जो है वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जो कि हमारे पास जो है वो सिन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है. और टॉपिक जो कि हमारे पास है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, मीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे जो है वो वेस्पर थ्योरी कहते हैं. और वेस्पर थ्योरी ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन करती है हमारे पास जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को. और इसी रीजन की बेस के ऊपर जो है उस चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है ये भी हमारे पास जो है वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि इसके अंदर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरीज को स्टडी करते हैं, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. कि आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास जो के किसी भी मॉलिक्यूल की शेप अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट द बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कि उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो. और इसीलिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल होगी. इफ नो कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, नो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन. तो हम कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की वो हम राइट नहीं कर सकते. इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बोथ जो है वो आपस में लिंक टुगेदर हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चैप्टर को जो एक्सप्लेन करती है वो यहाँ आपके पास जो है वो वेस्पर थ्योरी है, जो कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बेस्ट एक्सप्लेन करती है. जब आप इसको आज जो है वो स्टडी करेंगे और इसके मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, तो आपको जो कंसेप्ट है और जो चैप्टर है वो 100% समझ में आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो डियर स्टूडेंट, शेप कहते हैं कि आपके पास जो है वो कोई भी पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस. कि अगर आपके पास जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स एटम्स पैटर्न के अंदर अरेंज हों तो वो एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म बनाते हैं, और मॉलिक्यूल इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं शेप इन स्ट्रक्चर, बिकॉज इन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल बॉन्ड. हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्शनल बॉन्ड ही होते हैं. तो यहाँ डियर स्टूडेंट, सिंपल पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मीन आपके पास जो है वो जो के पोली मीन मेनी एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एक दो या दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स. एंड आयंस जनरली एक्वायर लीनियर टेट्राहेड्रल, कि आपके पास जो है वो ऐसे आयंस भी वो आमतौर पर जो है वो लीनियर शेप के हो सकते हैं. लीनियर मीन लाइन वाइज, जैसा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी आगे एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर शेप. सिमिलरली टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल आपके पास डियर स्टूडेंट CH4 है, मीथेन मॉलिक्यूल. डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपका पायरामिडल है, पायरामिडल के अंदर आपके पास जो है वो NH3 अमोनिया शेप. एंड एंगुलर शेप, वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर शेप, के हमारे पास जो वाटर है वो एंगुलर शेप के अंदर आता है. एसेक्ट्रा मीन आपके पास जो है वो और भी डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, जिसके अंदर आपका बाई पायरामिडल आ सकती हैं, और जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल भी होती है. और इस तरह की आपके पास जो है वो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल. तो डियर स्टूडेंट, दीज शेप्स कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कि हमारे पास ये जो शेप्स हैं जो कि अभी आपने स्टडी की, ये हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं. एक्सपेरिमेंटली मतलब कि आपके पास जो है वो इनको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, और जो है वो हाउएवर आल्सो प्रेडिक्ट ऑन थ्योरेटिकल बेसिस, और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर भी इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है. और डियर स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन देती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. और जो आज का जो टॉपिक है, जो मेन पासुलेट है वेस्पर थ्योरी के, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को
क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिटरमिन किया जा सकता है थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर बाय यूजिंग वेस्पर थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट, बिसाइड वीबीटी के जो वेनस मॉन्ट थ्योरी थे उसके ड्रॉबैक यही थे कि वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती थी। और डियर स्टूडेंट, वीबीटी के बिसाइड देयर आर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरीज व्हिच डिस्क्राइब द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरह टू फर्दर जो है वो हमारे पास थ्योरीज आई, और ये जो दो थ्योरीज हैं ये हमारे पास जो है वो डिटरमिन करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। नंबर वन इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। डियर स्टूडेंट, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर्स को, लोन पेयर रिपेल्स बॉन्ड पेयर, एंड डियर स्टूडेंट एज अ रिजल्ट जो हमारे पास एंड जो ज्योमेट्रिकल शेप आती है किसी मॉलिक्यूल की वो ही एक्यूरेट शेप होती है। और ये हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस के ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है। नाउ डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन इज द सेकंड थ्योरी दैट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही डियर स्टूडेंट आपके पास जो है मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन से ही स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थ्योरीज थी। अब डियर स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और डियर स्टूडेंट इसको शॉर्ट कट जो है वो एब्रिवेशन से शो करते हैं वेस्पर, वी वैलेंस एस शेल ई इलेक्ट्रॉन पी पेयर आर मीन रिपल्शन मीन इट मीन डियर स्टूडेंट, नेम से ही इसके मीनिंग आपको जो है वो वाजे हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और कंसेप्ट आप समझ सकते हैं इसके नेम के अंदर ही। और डियर स्टूडेंट यहाँ इसका नेम ही बता रहे कि आपके पास बॉन्डिंग जब भी आपके पास फॉर्मेशन होती है हमेशा वैलेंस शेल के अनपेयर्ड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब डी स्टूडेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फिल्ड हो वैलेंस शेल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाते हैं जो कि नॉट प्रेजेंट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर कहते हैं, वो रिपेल करते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उनको, और एज अ रिजल्ट जो है वो इसकी रिपल्शन से एटम्स अरेंज हो जाते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड के अंदर, एंड इस तरह से आप जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है वो राइट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोवलेंट मॉलिक्यूल इज ड्यू टू सिडविक एंड पोवेल इन 1940। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल की जो वेस्पर थ्योरी है ये हमारे पास सिडविक एंड पोवेल ने जो है वो 1940 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। और डियर स्टूडेंट, दे पॉइंटेड आउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन लोन पेयर जो कि अनबॉन्डेड होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनको कहते हैं। इनके अदर नेम भी हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिन्होंने जो है वो शेयर्ड पेयर होंगे तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इट मीन जो के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ना करते हों जो के रिमेनिंग है वो अनशेयर्ड पेयर होते हैं, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। और याद रखें कि वो वैलेंस शेल में होते हैं और वो हमेशा सेंट्रल एटम के ही होते हैं, इसीलिए सेंट्रल एटम के ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को, कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बेस करती है सेंट्रल एटम के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इसलिए जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के, वेस्पर थ्योरी के, आर द नंबर वन इज देयर मे बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। डियर स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, बिकॉज डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जब भी पेयर के अंदर होते हैं तो ये हमेशा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को शो करते हैं, एंड मोर स्टेबल होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन बिकॉज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जीरो। सो डियर स्टूडेंट, दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं, वन इज बॉन्ड पेयर एंड अदर इज लोन पेयर। एक वो जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो वो बॉन्ड पेयर है, बिकॉज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स को होता है तो वो एक सिंगल कोवलेंट बनता है, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर फ्रॉम बोथ एटम, एंड अदर इज लोन पेयर। लोन पेयर मीन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट, बीइंग सिमिलरली चार्ज द बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज होने की वजह से बॉन्ड पेयर भी, डियर स्टूडेंट, और लोन पेयर भी हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये जो है वो थ्री डायमेंशनल के अंदर अरेंज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
ड्यू टू रिपल्शन, इसी रिपल्शन की रीजन की वजह से द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं चाहे वो लोन पेयर हो या वो बॉन्ड पेयर हो, ट्राई टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, तो उनमें रिपल्शन जो है वो, ताकि उनमें इफेक्ट ऑफ द रिपल्शन मिनिमम हो सके, मिनिमाइज हो सके, और वो एक दूसरे को इतने मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि इनकी रिपल्शन जो है वो एक दूसरे को जो है वो कम से कम फील हो सके. तो डियर स्टूडेंट, हिंस दे ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस इन सच अ मैनर टू रिड्यूस रिपल्सिव फोर्स. तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज नॉट द सेम. डियर स्टूडेंट, याद रखें हमेशा, जितनी फोर्स लोन पेयर एग्जर्ट करेगा बॉन्ड पेयर के ऊपर या जितनी बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे एग्जर्ट करेगा, ये सेम नहीं होती. हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और जो आपका रिपल्शन ऑर्डर होता है वो हमेशा इस तरह होता है, द रिपल्सिव ऑर्डर इज दैट लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, and lone pair bond pair is greater than bond pair bond pair. कि आपके पास हमेशा अगर lone pair electron हो और दूसरे भी lone pair electron हो, तो इनकी repulsion maximum होगी then अगर one lone pair हो other bond pair. and similarly lone pair और दूसरा bond pair की repulsion आपस में maximum होगी then bond pair और bond pair, अगर दोनों साथ में bond pair और bond pair आ जाते हैं. इसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्शन ज्यादा काज करते हैं, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर है, तो रिपल्शन का इफेक्ट ग्रेटर होगा. सिमिलरली डियर स्टूडेंट, वन लोन पेयर हो अदर जो है वो बॉन्ड पेयर है इस तरह से, तो इसकी रिपल्शन जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वो कम होगी. और सिमिलरली यहां पर बॉन्ड पेयर अगर बोथ जो है उस तरह से बॉन्ड है, तो एक दूसरे पर इनकी रिपल्शन जो है वो कम होती है, बिकॉज इनमें जो है वो बॉन्डिंग की फोर्स पाई जाती है. तो डियर स्टूडेंट, ये था रिपल्सिव ऑर्डर. अब नेक्स्ट पॉइंट इज डेट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड ऑफ एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं डियर स्टूडेंट जो कि अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल से आते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, या डियर स्टूडेंट जो कि अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, जो कि एनर्जी सेम नहीं होती. अनहाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनकी एनर्जी सेम नहीं होती, और अगर एनर्जी सेम नहीं होगी डियर स्टूडेंट, तो इनकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होगी, और देयरफॉर इनका जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और इनको इसीलिए एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर नहीं करते. डियर स्टूडेंट, एक्टिव सेट से मुराद यहाँ पर जो है वो इनका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो रिपल्शन के ऊपर नहीं होता, इसलिए शेप के अंदर ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. कि अगर आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन करना चाहेंगे, एट द एंड जो हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगी वो बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करेगी, ना कि वो सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करे. कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल है डियर स्टूडेंट, तो वाटर मॉलिक्यूल इसीलिए एंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और जो है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री जो है वो इसीलिए हो जाते हैं डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये टू बॉन्ड पेयर हैं, और ऑक्सीजन के पास जो है वो टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6. तो ये लोन पेयर आपस में भी रिपल्शन करते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, एज अ रिजल्ट जो नेट स्ट्रक्चर होती है वाटर की, वो हमारे पास इस तरह की एंगुलर स्ट्रक्चर आती है, नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये बेंड है, वी शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, और जो है उसकी वी शेप आ जाती है, बिकॉज क्योंकि आफ्टर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों के इफेक्ट को देखा जाता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल में. तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंसेप्चुअल लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि आने वाले एग्जाम के अंदर भी जो है वो 100% अहमियत रखता है. और डियर स्टूडेंट, आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखे विद पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से. अगर वी ट्यूशन को आप सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं, ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर आप तक जो है वो इजिली शेयर हो सके, और जो है वो आप तक पहुंचता रहे, आप जो है वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें. तो डियर स्टूडेंट,
आपने जो है वो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी शेयर करने, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो एवरी स्टूडेंट का राइट है और वो उसको जो है वो हासिल करके अपने फ्यूचर को जो है वो बेस्ट बना सके। डियर स्टूडेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज को सेंड कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएंगी। और डियर स्टूडेंट, आप हमें साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं www.vtuition.com के प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।